नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम दुनिया भर के अमेजिंग डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम आपको एक मेस्मराइजिंग वंडरलैंड मनाली की सैर करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको मनाली की ट्रिप प्लान करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको मनाली कब जाना चाहिए, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, फिर मनाली को आखिरकार बेस्ट तरीके से कैसे एक्सप्लोर करें, कौन कौन सी मस्त जगह और एक्सपीरियंसेस आपको मिस नहीं करने चाहिए, मनाली घूमने की बेस्ट आइटनरी क्या हो सकती है, और आखिरी में मनाली घूमने का टोटल खर्चा क्या आ सकता है, उसे भी कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे ताकि अपनी मनाली ट्रिप सबसे बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकें और अपनी ट्रिप को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना सकें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मनाली में घूमने का सबसे बेहतरीन टाइम क्या है। मनाली के चार्म को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मार्च से जून के बीच में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय मौसम बिल्कुल प्लेजेंट होता है और नेचर की खूबसूरती अपनी पीक पर होती है। जब आप मनाली के सफर पर निकलते हैं, आपको हल्की गर्मी का एहसास होगा और हरी भरी पहाड़ियों की गोद में खेलते हुए आप अपने आप को रिफ्रेश कर पाएंगे। लेकिन अगर आप विंटर स्पोर्ट्स और स्नो कैप माउंटेन्स के दीवाने हैं तो दिसंबर से फरवरी का समय आपके लिए परफेक्ट है। इस समय मनाली अपने अंदर एक सुहाना विंटर वंडरलैंड रूप ले लेती है। ठंड के मौसम में आप सर्दियों की शान, हिमाचल की बर्फ कवर्ड पहाड़ों को देखने और उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग का मजा उठा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मनाली घूमने के लिए अपने प्लान का समय कैसे चुनना है। लेकिन याद रखिए, चाहे आपका मन गर्मी में मनाली घूमने का हो या फिर सर्दी में, मनाली आपको निराश नहीं करेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप मनाली बिल्कुल आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं। मनाली पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके हैं। दोस्तों, अगर आप उड़ान भरने के मूड में हैं तो मनाली के लिए सबसे करीब वाला एयरपोर्ट है कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। यहां से आप टैक्सी और बस हायर करके मनाली की तरफ तेजी से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन की मस्ती पसंद करते हैं तो मनाली पहुंचने के लिए ट्रेन ले लीजिए। जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन आपका डेस्टिनेशन है, जो मनाली से 166 किलोमीटर दूर है। यहां से आपको बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएगी, जिससे आप मनाली तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपको रोड ट्रिप्स और एडवेंचर पसंद है तो सुनिए, मनाली कनेक्ट करने वाली बहुत सारी बस सर्विसेज हैं, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ से। ये रोड ट्रिप वाले तरीके आपको मनाली के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप के साथ साथ एक अनोखा एक्सपीरियंस भी देंगे। तो अब आप मनाली पहुंच गए हैं, तो बात करते हैं आपके एकोमोडेशन की। मनाली में हर बजट के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बजट ट्रैवलर्स हैं, चिंता मत कीजिए, आपको कंफर्टेबल गेस्ट हाउसेस और हॉस्टल्स मिल जाएंगे, जहां आपको रहने के लिए पॉकेट फ्रेंडली प्राइस मिलेगी। शुरुआत हो जाती है सिर्फ 500 रुपये से। लेकिन अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा कम्फर्ट चाहिए तो मनाली में बहुत सारे गेस्ट हाउसेस और होटल्स अवेलेबल हैं, जिनके प्राइसेस 1,000 से 2,000 रुपये पर नाइट तक होते हैं। यहाँ आपको स्पेशियस रूम्स, मॉडर्न फैसिलिटीज और एक्सेप्शनल सर्विस मिलेगी। तो दोस्तों, मनाली में आपको रहने के लिए हर बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ तो है। अब आप मनाली में सेटल हो चुके हैं, तो बात करते हैं मनाली को बेस्ट तरीके से एक्सप्लोर करने की। जब बात आती है मनाली को एक्सप्लोर करने की, तो एक सबसे पॉपुलर ऑप्शन होता है एक बाइक रेंट करके। बाइक रेंटल सर्विसेज आपको आसानी से मिल जाएंगी और उनकी प्राइस रेंज 500 से 800 रुपये तक होती है। ये मनाली को एक्सप्लोर करने का एक थ्रिलिंग और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। अगर आपको बाइक चलाने का उतना शौक नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, टाउन के अंदर ही आपको टैक्सीज भी मिल जाएंगी। मनाली में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टैक्सीज आपकी मदद कर सकती हैं। खर्चा लगभग 100 से 200 रुपये तक आ सकता है। लॉन्गर ट्रिप्स के लिए ड्राइवर से बार्गेन करें, जिससे आपको बेस्ट डील मिल सके। एक और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है लोकल बसेस। मनाली के पास बस सर्विसेज का एक अच्छा नेटवर्क है, जो ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर कर लेता है। बस टिकट की कॉस्ट 30 से 50 रुपये के बीच होती है, जिससे ये बजट ट्रैवलर्स के लिए सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता है। बसेस से आप मनाली की सीनिक ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो भी बजट फ्रेंडली तरीके से। चलिए अब जान लेते हैं
कौन कौन सी मस्त जगह और एक्सपीरियंस है जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको हडिम्बा टेम्पल जरूर देखना चाहिए। ये एक पुराना केव टेम्पल है जो कि देवी हडिम्बा को समर्पित है। इस जगह का यूनिक आर्किटेक्चर और पीसफुल एनवायरनमेंट इसको एक मस्ट विजिट प्लेस बनाता है। एक और मस्ट विजिट प्लेस है सोलांग वैली, जो अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए फेमस है। यहाँ पर आप थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस ट्राई कर सकते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और जॉर्बिंग। यहाँ पर टॉप से जो नज़ारा दिखता है वो तो बस ब्रेथ टेकिंग होता है। और अगर आप नेचर लवर हैं तो रोहतांग पास तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये माउंटेन पास 3978 मीटर की ऊंचाई पर है और स्नो कैप्ड पीक्स और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप के जॉ ड्रॉपिंग नज़ारे आपको देता है। बर्फ में खेलने का मज़ा उठाइए, गर्मा गर्म मैगी नूडल्स खाइए और ज़िंदगी भर के लिए मेमोरेबल यादें बनाइए। और मनाली की ट्रिप बिना ओल्ड मनाली जाए पूरी हो ही नहीं सकती। टाउन का ये हिस्सा कैफेज, शॉप्स और लिवली एटमॉस्फेयर से भरा पड़ा है। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है लोकल क्यूजीन ट्राई करने के लिए, कल्चर को समझने के लिए और लोकल्स के साथ घुलने मिलने के लिए। तो अब हमें मनाली के सबसे बेहतरीन प्लेस के बारे में पता चल गया, तो फिर चलिए बजट ट्रैवलर्स के लिए 3 दिन की आइटनरी तैयार करते हैं। Day 1, सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत कीजिए हडिम्बा टेम्पल के साथ। उसके बाद म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट की तरफ निकलें, फिर आराम से मॉल रोड की सैर करें और कुछ लोकल स्ट्रीट फूड का स्वाद चखें। Day 2, अगले दिन एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए सोलांग वैली जाएं और पैराग्लाइडिंग और जॉर्बिंग जैसी थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ का मज़ा उठाएं। फिर अपने दिन को ख़त्म करें कैंप फायर और स्टार गेजिंग के साथ में। Day 3, रोहतांग पास जाके अपने दिन की शुरुआत करें, शानदार नज़ारों का मज़ा लें, एक स्नोमैन बनाएं और स्नोबॉल फाइट्स खेलें। जब आप वापस आ रहे हों तो ओल्ड मनाली को एक्सप्लोर करें, सोवनियर्स के लिए शॉपिंग करें और लोकल फूड ट्राई करें। तो दोस्तों, अब आपके पास वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपनी मनाली की बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान करने को चाहिए। तो अब आपकी बारी है हिमालय में छुपे इस पैराडाइज को एक्सप्लोर करने की। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।